और यूपी के कौशाम्बी में अमित शाह ने विपक्ष पर बोला है हमला। तीन चरण में हम 200 पार, चौथे चरण में 250 पार करेंगे। यूपी के शहजादे अनुच्छेद 370 वापस लाने की बात करते हैं। राम मंदिर को कांग्रेस ने 70 सालों तक अटका कर रखा। राहुल अखिलेश वोट बैंक की खातिर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। ये तमाम आरोप अमित शाह ने लगाए। तीन चरण में मोदी जी 200 पार करने की कगार पर है, चौथे चरण में 250 पार करा देना है। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने धारा 370 को, 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया भैया, समाप्त। और एक कश्मीर से हमेशा के लिए आतंकवाद को समाप्त कर कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने का काम नरेंद्र मोदी ने। भाइयों बहनों, ये दो शहजादे जो है अखिलेश और राहुल बाबा, वो कहते हैं कि हम आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया है, नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है, और भाइयों बहनों, मोदी जी ने देश को सुरक्षित करने का काम किया है। 70 साल तक ये कांग्रेस, सपा, बसपा राम मंदिर को अटका कर रखे, लटका कर रखे, भटका कर रखे। मोदी जी आए, मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब ये राहुल बाबा, सोनिया गांधी, डिंपल बेन, अखिलेश यादव सबको निमंत्रण भेजा गया, मगर कोई प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गया। क्यों नहीं गया भाई, मालूम है? बताओ क्यों नहीं गया? चलो मैं बताता हूं। वो लोग अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से।